देख रहे हैं उसमें देखिए, ये तस्वीर देखकर कौन वो हिंदुस्तानी नहीं होगा जो सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर ये करने से क्या हासिल होगा? क्या सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाना नियत है या शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी बात मनवानी है? और अगर बात मनवानी है तो आपने कहा था आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, ऐसे में ये दिल जीतने का तरीका नहीं हो सकता। तिरंगे की जगह सिर्फ तिरंगे की होती है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। और अगर आज ये कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ये इस पूरे आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टर पर संयमित तरीके से, प्लान तरीके से, जो पहले से उन्होंने वादा दिल्ली पुलिस से किया था, उस तरीके से अपने ट्रैक्टर पर परेड निकाल रहे थे, झांकियां निकाल रहे थे। लेकिन फिर उपद्रवियों का जो बवाल शुरू हुआ अलग अलग जगहों पर, उसमें बैरिकेड तोड़ रहे थे, बैरिकेड हटा रहे थे, बसों पर ट्रैक्टर ठोक रहे थे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर बीच आईटीओ पर चौक पर ही वो सर्कलिंग कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे, सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी पर खतरा था, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब कुछ हो जा सका। और आशुतोष पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में, हमारे सहयोगी आशुतोष लाल किले पर। आशुतोष, आज जो तस्वीरें आई है आईटीओ से, जी बताइए बताइए, तस्वीरें देखी है लाल किले पर, जो तस्वीरें आपने अब तक लाल किले पर देखी हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि शायद वो ट्रेलर भी ना हो, क्योंकि अभी तो वहाँ कुछ संख्या में किसान पहुंचे हैं। मैं इस गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ ताकि ये किसान जिस रूट पर जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा सकूं, और मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूंगा कि एक बार पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि अभी हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं जो निकले हैं सिंघू बॉर्डर से, वो अब आउटर रिंग रोड की पेरिफेरी पर आ गए हैं। इन्हें दरअसल जाना था विपरीत दिशा में जो तय रूट था, लेकिन ये सारे आउटर रिंग रोड में बाएं हाथ बाईं तरफ मुड़ गए हैं, यानी ये मजनू का टीला सिविल लाइन्स होते हुए आगे इनके पास सीधा रास्ता है कि आईटीओ भी पहुंच सकते हैं और वहां से लाल किले भी। और चूंकि आगे का पूरा काफिला लाल किले की ओर रवाना हो रहा है, ये किसान भी लाल किले की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि सिंघू बॉर्डर पर अभी भी ट्रैक्टर है जो निकल ही रहे हैं, यानी आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर किसानों को वापस भी जाना हुआ अपने खेमे तक, अपने कैंप तक, तो शायद ये परेड कल दोपहर या कल शाम के पहले भी खत्म नहीं होगी। यानी ये जो संख्या थी, शायद इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहे, सरकार ने आकलन नहीं किया कि यहाँ हजार, दो हजार, पांच, दस हजार ट्रैक्टर की बात नहीं हो रही। तो मैं देख अब अगर अभी भी वो सिंघू बॉर्डर से निकल रहे हैं, जो कुल दूरी लगभग 25 किलोमीटर की होती है, अगर यहाँ लंबा काफिला अभी भी लगा है बावजूद उसके, जबकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहले ही पहुंच गए हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये संख्या लाल किले पर पहुंचेगी तो वहाँ की तस्वीर क्या होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नाराजगी थी आपने देखा, कई जो तस्वीरें देख रहे हैं हिंसा की, हम अपनी गाड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं कि कल भी जब हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर सबसे सुरक्षित जगह से रिपोर्ट कर रहे थे, नारेबाजी की गई, घेरेबंदी की गई, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। मैं कल से घर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि जहाँ से रास्ते ट्रैफिक ब्लॉक थे, आज सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ, ये ताजा प्रमाण है कि कैसे उपद्रवियों ने पूरे इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। और अब आप जो आउटर रिंग रोड पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसानों का लंबा जत्था है, जितने ट्रैक्टर पर है उससे ज्यादा पैदल है। नियम के तहत किसानों की ओर से जो संगठन से कहा था कि पैदल जाने वाले कम होंगे, एक दिशा में होंगे, एक ट्रैक्टर के ऊपर चार पांच से ज्यादा नहीं बैठेंगे, लेकिन अब क्या नियम, क्या गरिमा, क्या मर्यादा और क्या जो भी बातें थे, जो भी बातें कही गई थी, उन सब सच्चियां उड़ गई है। फिलहाल जो किसान संगठन है, सबसे बड़ी बात ये है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक भी किसान नेता सामने आने को तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव से लेकर के दर्शनपाल तक लेकर के राज्यपाल तक लेकर, हम हर किसी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इन किसानों के आंदोलन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, ना वहाँ पे आज कोई औपचारिक जानकारी है, ना कोई किसान नेता कुछ बोलने को तैयार है। लेकिन जो आंदोलन है, और ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो गया है, सुबह जब तय समय था कि 11:30 बजे बैरिकेड हटेंगे तब निकलेंगे, तब संयुक्त मोर्चा से अलग जो टुकड़ी थी, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नाम से थी, जिसके सोन सिंह जो थे पंडेर, जिन्होंने कल रात कहा था कि हम तो अपने समय पर निकलेंगे, और साथ ही जो पन्नू थे, ये दो किसान नेताओं के नेतृत्व में सबसे पहला काफिला निकला। अब एक काफिला निकलता सिंघू बॉर्डर पर, उनको पुलिस ने कोशिश की रोकने की, लेकिन जब संख्या बल किसानों के ज्यादा थी तो पुलिस का बंदोबस्त उसके आगे बेहद ठीक पड़ गए। तस्वीरें देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि जब ये संख्या लाल किले की, तब तस्वीर क्या हो सकती है। और अगर लाल किले से हट कर ये नई दिल्ली के भीतर घुसते हैं तो कानून व्यवस्था की क्या स्थिति हो सकती है।
या सरकार के लिए कितनी चिंता की बात हो सकती है। जब पहला जत्था निकला तो किसान यूनियन की ओर से कहा गया कि देखिए वो हमारे समर्थक नहीं है, वो हमारे यूनियन का हिस्सा नहीं है, पुलिस उनसे किससे। लेकिन जब बात एक मोर्चा की थी, आंदोलन का नेतृत्व एक मोर्चा कर रहा था, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी कि हर सीट को साथ लेते आंदोलन। अगर उन नियमों का पालन करते जो था, थोड़ी देर पहले मैंने जो तस्वीर अपने कैमरे में कैप्चर की है, मुखर्जी चौक के साइड लंबी गाड़ियों की श्रृंखला है बसों की, जिसमें सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जो जवान है उन्हें लाया गया था बंदोबस्त के लिए। कम से कम 17 से 18 गाड़ियां मैं गिन पा रहा था जो एक लाइन से खड़ी थी, जिनके शीशे तोड़ दिए गए थे, चकनाचूर कर दिए गए थे। आंदोलनकारियों को, किसानों को रोकने के लिए ट्रॉलर तक रख दिए गए थे, बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए थे। लेकिन जिस तरह के आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं उनके सामने 50 जो ये सब चीजें रखी जाती, भला उनकी क्या दिशा हो सकती है। धक्का देकर के उनको किनारे कर दिया गया। यहाँ तक कि सिंगू बॉर्डर पर जो भी अर्धसैनिक जवान थे, किसानों की संख्या देखते हुए हर किसी को पीछे हटना पड़ा। ये दूसरी बात और है कि जब बीच का जो फासला है सिंगू बॉर्डर से लेकर मुबारका चौक तक, यहाँ सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण है। सुबह यहाँ लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें किसान दिल्ली के भीतर प्रवेश करने के बाद जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, सामने आ रही है, वो सवाल उठा रही है कि आखिर किसान नेता अब कहाँ है, सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब वो सफाई दे रहे हैं कि देखिए पुलिस ने आटो गैस छोड़े, टीयर गैस छोड़े, लेकिन इसकी नौबत अब आई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसानों ने रूट का पालन नहीं किया और तय समय से पहले ही उन्होंने अपना मोर्चा निकाल दिया, यानी ये घटनाक्रम तब हुआ जब राजपथ पर जवान भारत का शौर्य दिखा रहे थे। किसान अपनी तैयारियां करके निकले थे कि वो परंपरा संस्कृति झलक दिखाएंगे, विरोध भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन विरोध किस तरह से कंट्रोल के बाहर हो गया, नियंत्रण के बाहर हो गया, ये तस्वीरें बयां करती हैं। इस आउटर रिंग रोड पर मैं आपको बता दूं अंजना, इस हिस्से में किसानों को नहीं आना था, न तो उनका यूनियन, न उनके ट्रैक्टर, न किसी को पैदल, यहाँ उन्हें नहीं आना था। हम ये बिल्कुल अपनी विपरीत दिशा में, यानी जाना उन्हें दक्षिण था, ये बड़ उत्तर की ओर रहे हैं। और ये जो काफिला आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, इसी से पता अंदाजा, अगर ये सब नई दिल्ली या लाल किले की ओर बढ़ते हैं तो स्थिति किस तरह बेकाबू हो सकती है। अंजना, बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आईटीओ की भी तस्वीरें, अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। और आप कह रहे हैं कि जो टकराव आपको आगे दिख रहा है उसमें ये सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लाल किले की भी तस्वीर वैसी ही। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। ये हम आपको इस वक्त आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हुजूम है लोगों का, जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। ये चौक है, बीचों बीच जो चौक आप देख रहे हैं ये वहाँ की तस्वीरें हैं। वो तो चला जा साला। लाल किले से जितेन बहादुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेन, वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है, क्या जो आंदोलनकारी है उन्हें प्राचीर से हटाया गया है, क्या हो रहा है? ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। इस वक्त कई जगहों पर पुलिस अब आंदोलनकारियों पर लाल किले पर भी हावी होती हुई दिखाई दे रही है। उससे पहले अरविंद आईटीओ से जुड़ गए हैं। अरविंद बताइए, ये देखिए यहाँ का नजारा, पुलिस कैसे खदेड़ रही है अब लाल किले के प्राचीर से इन आंदोलनकारियों को, वो दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन वो तस्वीरें। ये लाल किले की तस्वीरें हैं और अब पुलिस यहाँ पर हरकत में आई है और पुलिस अब आंदोलनकारियों को वहां से खदेड़ती हुई नजर आ रही है। ये लाल किले की तस्वीरें हैं, ये देखिए जिस हिस्से में, और अब जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये तो पूरा जो अंदर का हिस्सा है वहां पर भी कूदते फांदते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कई आंदोलनकारी। जितेन जुड़े क्या हमारे साथ? बिल्कुल अंजना, जितेन बताइए। जो अभी अंजना लाल किले पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो ये है कि उन लोगों ने अब से थोड़ी देर पहले लाल किले पर जो झंडा फहराया और उसके बाद अब पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अब इस कार्रवाई की शुरुआत की गई है। और जो भी ट्रैक्टर जो मेन गेट है लाल किले का, जो कि चांदनी चौक की तरफ से रास्ता आता है, उस पूरे रास्ते में ट्रैक्टर के जो भी लोग मौजूद हैं उनको, सब लोगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और ये वो किसान है अंजना जो कि सिंघू बॉर्डर की तरफ से ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, साथ ही बहुत सारे ऐसे किसान जो गाजीपुर बॉर्डर से आईटीओ होते हुए इधर आ गए हैं, तो अब इनको हटाने की प्रक्रिया पुलिस प्रशासन की तरफ से इस वक्त चल रही है। और अब ये देखा जा रहा है कि कब तक इनको हटाया जाएगा, लेकिन अभी की यहाँ की स्थिति बनी हुई है वो काफी टेंस है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है,
के जवानों को यहाँ पर बुलाया गया है, वो पर आ रहे थे। बहुत सारे लोग जो पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए चांदनी चौक का जो रास्ता है उस तरफ मौजूद थे, काफी दूर थे, लेकिन अब की जो स्थिति है पुलिस प्रशासन अब धीरे धीरे अंदर जा रही है और वहाँ जो झंडा इन्होंने लगाया था ऊपर के हिस्से में लाल किले पर, उस झंडे को भी पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाया गया है। अंजना, क्या वो निशान साहिब वाला और जो किसी संगठन का झंडा था उसे उतार दिया गया है जितेंद्र? शुदा रास्ता है उसको फॉलो करें, किसान यूनियंस अपने वॉलंटियर्स को बोलें कि अपने लोगों को उसी रास्ते पे लेके जाएं। मैम आपने यहाँ पर मैंने देखा कि जो बंदोबस्त किए गए थे, जो बैरिकेड हटाया, तो आपने पुलिस कर्मियों को सड़क पे बिठाया कि किसी तरह से रोका जाए, उस समय में भी झड़प हुई, कितने पुलिस कर्मियों की इंजरी हुई है इस झड़प में? अभी जो है कई लोगों का काउंटिंग नहीं हो पाया है, लेकिन हमारा ये मकसद था कि 26 जनवरी है जो हमारे देश का एक नेशनल पर्व है, उस पर्व पर शांतिपूर्वक चीज़ें हो जाएं, इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, इसीलिए हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही थी कि किस तरह की परिस्थितियां हैं और वो बार बार बता रहे हैं कि जो भी नेता हैं इन संगठनों के वो अपने प्रदर्शनकारियों को कहें कि वो निकलें और तय मार्च की तरफ आगे बढ़ें। हमारे साथ अब अरविंद आईटीओ से जुड़ रहे हैं। अरविंद आईटीओ की क्या परिस्थिति है? आईटीओ में फिलहाल जो किसान है उन्होंने कब्जा कर रखा है, लेकिन मैं बताऊं कि आज जो हमारी टीम पर भी हमला किया गया है और जो कैमरामैन बकार हैं उनको भी हाथ में चोट आई है, तो फिलहाल फर्स्ट एड के लिए उनको भेजा गया है। लेकिन यहां पर जो आईटीओ है और वहां से लेकर लाल किले तक जो पूरा जो ट्रैक्टर मार्च है वो पूरा कब्जा कर लिया गया है और कहीं कहीं उग्र भी हो रहे हैं। कई जगह से जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि हिंसा की खबरें आई हैं, तोड़फोड़ किया गया है, लाल किले पर भी उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अंजना, जिस वक्त मैं आपके साथ आखिरी बार लाइव था आपने देखी होगी तस्वीरें कि किस तरीके से बकायदा एक भीड़ थी जिसने अटैक किया, जिसमें जो हमारा कैमरा माइक था उसको छीनने की कोशिश की, उसे छीना गया और साथ ही साथ जो हमारे कैमरा पर्सन थे बकार उन पर भी अटैक किया गया। तो ये फिलहाल की स्थिति है, इस वजह से अब मीडिया कर्मियों को भी जो है वो दूर रहने को कहा गया है। लेकिन फिलहाल की अगर बात कहें एक लाइन में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, खासकर लुटियन जोन की बात की जाए और जो सबसे सेंसिटिव इलाका बात की जाए आईटीओ चहलाल किले की, वहाँ की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरी तरह से जो उपद्रवी है उन्होंने कब्जा कर दिया है और जो पुलिस है वो फिलहाल एक तरीके से कहे तो रणनीति ही सिर्फ बना रही है। लाल किले के बाहर लाल किले पर जरूर खदेड़ने की कोशिश की गई है पुलिस बल के जरिए, लेकिन कामयाबी बहुत हद तक मिल नहीं पा रही है, जबकि जिस तक स्थिति आईटीओ पर बनी हुई है और आईटीओ पर जो आज तक की टीम है उस पर भी हमला बोला गया है मौत के जरिए, जिनके हाथ में लोहे के राड और डंडे थे। तो ये स्थिति बनी हुई है और जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि स्थिति अभी बहुत सही है नहीं, चूंकि पुलिस अभी खामोश है। अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तब जाकर स्थिति टेंस होगी। शायद यही वजह है कि पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान है वो शांत है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है उनको बुला लिया गया, वो भी पूरी तरह से शांत है। लेकिन सवाल यह है कि कितने देर तक ये शांति बनी रहेगी, क्या जो उपद्रवी है उनका कब्जा आईटीओ लाल किलो पर बना रहेगा, पुलिस कब एक्शन लेगी, अपने बड़ा सवाल है। इन सबके बीच मैं बताऊं कि जो जब मैं आपके साथ आखिरी बार लाइव कर रहा था तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो मॉब है वो अटैक करता है और कई मीडिया कर्मियों को भी इसमें निशाना बनाया गया है, हमारे जो कैमरा पर्सन है वकार उनको भी चोट आई है। अंजना, बिल्कुल एक बार फिर से लाल किले का रुख करेंगे, लाल किले की तस्वीरें दिखाइए, आईटीओ की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी जो चौक है, मेन चौक जो है वहां पर इन आंदोलनकारियों का, प्रदर्शनकारियों का पूरी तरह से कब्जा है, हाथ में लाठी डंडे दिखाई दे रहे हैं, वहां से हटने को तैयार नहीं है। परिस्थितियां क्या हो रही हैं आपके सामने है और किस तरह से सब कुछ बेकाबू हो चुका है, जो आज 26 जनवरी के लिए तैयारियां हुई थी, जो कनात लगाए जाते हैं ऐसी जगहों पर वो सब खींच खींच कर फाड़ कर हटाया जा रहा है। ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं, उत्पात मचाते हुए आपको दिख रहे हैं, जैसे गुस्से का इजहार अलग अलग तरीकों से करने में कई जगहों पर पूरी तरह से बेकाबू होते हुए। ऐश्वर्या, इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? अभी भी उग्र रूप जो है वो थमा नहीं दिखता है। काफी भारी तादाद आपको बता दो, लाल किले के पास खड़े
किसान अंदर है लाल किले के ऊपर भी कई लोग चले हुए हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखिए आप इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर किसान आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर निकलते जा रहे हैं, एक ट्रैक्टर पर कम से कम 10 लोग सवार हैं आज यहाँ हजारों की संख्या में। और यही कहा गया था सुबह कि हम लाल किले तक जाएंगे और हमने देखा किस तरीके से एक बार वहां से निशान साहब का झंडा हटाया गया और फिर ये प्रदर्शनकारी वहां पर लाल किले पर पहुंच गए हैं। नवजोत जुड़ गई है हमारे साथ। नवजोत, क्या प्रदर्शनकारी फिर से प्राचीर पर पहुंच गए हैं? ठीक है, हम फिर से आपके पास आएंगे। ऐसा लगता है कि एक बार हटा दिया जी। ऐश्वर्या, इस वक्त आप अब दिख रही हैं, एक बार तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हो रहा है वहां पर। देखिए यहाँ पे अंदर भी कई सारे भारी मात्रा के अंदर किसान मौजूद हैं और बाहर भी देखिए ट्रैक्टर पे ट्रैक्टर यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ये हर ट्रैक्टर पे कम से कम 10 किसान हैं और यहाँ से अब वापसी की तरफ एक जो जत्था है वो पूरा वापसी की तरफ रुख ले चुका है, वापस लिए जा रहे हैं ट्रैक्टर। कई किसान अभी भी अंदर मौजूद है, ऊपर भी चढ़े हुए हैं, लेकिन ये ठीक अभी लाल किले के बाहर का दृश्य देखिए, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर निकलते जा रहे हैं, तिरंगा लहराया जा रहा है और कहीं ना कहीं किसानों को ऐसा लग रहा है कि आज ये उनकी जीत है। सुबह जो कहा था कि लाल किले तक जाएंगे वो पुलिस के बाद मुठभेड़ के साथ अब ये हासिल कर चुके हैं। अंजना, बिल्कुल ये पूरा जो हिस्सा इस तरफ है, ये किस कौन सी सड़क पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं ये? एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। क्या ये लाल किले की लाइव तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं? ये पुरानी की तस्वीरें हैं, ठीक है, पहले की तस्वीरें हैं जब वहां पर जाकर निशान साहब टांगा गया था। जी ऐश्वर्या, अपनी बात पूरी करें और बताएं किस तरफ बढ़ रहे हैं वो। देखिए ये वापस अब जहाँ से आए थे किसान वहाँ वापसी की तरफ, ये देखिए बाइकों पे भी काफी भारी तादाद के अंदर अब आपको दिखेगा कि किसान काफी भारी तादाद में आए थे और अब ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर वापस घुमाए जा रहे हैं। किसानों को ऐसा लग रहा है कि जो एक वो संदेश देना चाह रहे थे वो संदेश दे दिया गया है और ये ठीक लाल किले के बाहर के दृश्य आपको इस समय अंजना देखने को मिल रहे हैं। घुमाए जा रहे हैं ट्रैक्टर, कई किसान अभी भी अंदर मौजूद हैं बट कई किसान अब यू टर्न लेके वापस जाने की तैयारी के अंदर लग चुके हैं। किसानों का अब ये एक कहना है कि जो हम संदेश देना चाह रहे थे सरकार को वो आज लाल किले पे पहुंच के हमने दे दिया है। ठीक लाल किले की बाहर की ये तस्वीरें, यहीं से ये देखिए बैरिकेड्स भी यहाँ लगे हुए थे लेकिन बैरिकेड्स तो बहुत पहले से ही तोड़ते हुए किसान आ रहे हैं, अभी भी इन बैरिकेड्स का कोई मतलब नहीं है, बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और यहाँ से घूम घूम के हर तरफ देखिए बैरिकेडिंग आपको दिखेगी अंजना, यहाँ हर तरफ बैरिकेडिंग थी, किसी भी बैरिकेड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ इधर बिधर हो चुका है और यहाँ से घूम घूम के अब किसान वापस जहाँ से वो आए थे वहाँ की ओर बढ़ चुके हैं और ये हो रहा है ठीक लाल किले के सामने। कुछ किसान ऐसे हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है कि क्या अब वो पूरी तरह से लौटने के मूड में है, खत्म करने के मूड में है? अंजना, खत्म तो वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो तब तक नहीं जाएंगे ये किसान नेताओं का ही कहना है जब तक जो वो करने आए थे जो है कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस ले, जब तक वो नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो प्रदर्शन जिस तरीके का है, ये देखिए ऊपर चढ़े हुए हैं ट्रैक्टरों के, इनके खुद के झंडे लगे हुए हैं, तिरंगा भी आपको दिखेगा कई सारे ट्रैक्टर्स के ऊपर, लेकिन किसानों का ये कहना है कि बैरिकेड तो हमने तो नहीं देखा, क्या बैरिकेड था, हमें लाल किले तक पहुँचना था। ये देखिए पूरी कतार है, सभी हर कोई जो सुबह से कह रहा था कि हम लाल किले पे जाएंगे वो लाल किले पे पहुंच चुका है। देखिए थोड़ा सा ऊपर का दृश्य, लाइन एक कतार लगी हुई है ट्रैक्टरों की लाल किले के सामने इस समय और अभी भी कई किसान लाल किले के अंदर हैं। ये जो दृश्य आप देख सकती हैं अंजना ये ठीक लाल किले के बाहर का है, पूरी कतार पे कतार बाहर भी लोग ट्रैक्टर से निकले हुए हैं और ये सब यहाँ से घूम के वापस जहाँ से वो आए थे उस तरफ जाने की अब तैयारी हो रही है। अंजना, तो क्या हम माने कि अब थोड़ी देर में पूरा जो बवाल मचा हुआ था ऐश्वर्या वो शांत हो जाएगा? पुलिस की तैनाती किस तरफ है और क्या, क्योंकि अभी भी वहाँ पर लाल किले के पास भी कई लोग हैं,
इस बारे में क्या समझ में आ रहा है? पुलिस किस तरफ मौजूद है और क्या परिस्थिति अब शांत होने की तरफ बढ़ रही है? ऐश्वर्या, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, पुलिस ने इस समय जो एक काम किया है वो ये है कि पुलिस एक तरफ हट चुकी है। पुलिस किसानों लोगों को, किसान जो नेता हैं, जो किसान यहाँ आए हैं, उन्हें लाल किले तक आने दे रही है। और अब यहाँ से ये जो यू टर्न लिया जा रहा है, देखिए नासिर आपको दिखाएंगे, वहाँ से देखिए, यहाँ पे अभी भी नारेबाजी हो रही है, लेकिन किसान घूम के लाल किले तक पहुँचे और अब यहाँ से ट्रैक्टरों में घूम घूम के वापस जा रहे हैं। स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसानों को अब ऐसा लगता है कि जो वो एक संदेश देना चाह रहे थे कि हम लाल किले तक पहुँचेंगे, वो संदेश वो अब दे चुके हैं। तनावपूर्ण स्थिति नहीं है और पुलिस भी अब पीछे हट चुकी है। बैरिकेड्स लगाए गए थे इस यही सोच के कि किसान अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन किसान अंदर गए हैं और अब शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे लाल किले के बाहर यू टर्न लेके हर कोई वापस जा रहा है। अंजना, बिल्कुल, और ये अब परिस्थिति बेहतर होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। किसान यूनियन BKU आपको दिख रहा है, उसका बैनर एक ट्रैक्टर पर लगा हुआ, और इस हिस्से में जहाँ पर ऐश्वर्या खड़ी है, ये लाल किले के बाहर की तस्वीरें वो आपको दिखा रही है। यहाँ से ये ट्रैक्टर सभी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों का पत्रकारों पर भी हमला हुआ है, पत्रकारों के माइक कैमरे छीने गए हैं, हमारे कैमरामैन को भी प्रदर्शनकारियों ने आज तक का भी माइक छीना है, और हमले में आज तक के कैमरामैन को चोट आई है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आईटीओ पर प्रदर्शनकारियों का पत्रकारों पर हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो परिस्थिति आज पैदा हुई है। कई जगहों पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करनी बाकी पड़ती है, लेकिन अपने देश में, अपने मुल्क में विरोध प्रदर्शन कवर करते हुए अगर पत्रकारों पर हमला किया जाता है और अगर सुरक्षा कर्मियों पर इस तरह का हमला होता है, तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीरें आपको लाल किले के बाहर की ऐश्वर्या दिखा रही है, अंदर के हिस्से से भी लगता है, पार्किंग वाले हिस्से से भी ऐश्वर्या, अब ये तमाम ट्रैक्टर्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ऐश्वर्या के पास फिर से चलेंगे हम, आपको एक तरफ लाल किले की तस्वीरें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों की नारेबाजी जबरदस्त, लाल किले पर जाकर उन्होंने जहां पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर निशान साहिब का झंडा टांग दिया, संगठन का झंडा टांग दिया। वहीं दूसरी तरफ आईटीओ पर जो खबर आ रही है, आईटीओ पर न सिर्फ सुरक्षा कर्मियों पर हमला करते रहे, मीडिया कर्मियों पर भी हमला हुआ है, आज तक का माइक छीना, हमारे कैमरामैन को चोट आई है। इस तरह की परिस्थिति लाल किले आईटीओ पर भी बनती हुई दिखाई दी है आज, और दोनों ही जगह की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक तरफ लाल किला और दूसरी तरफ आईटीओ की तस्वीरें। ये तस्वीर जो बीचों बीच आप देख रहे हैं, उसी वक्त की है जब एक आंदोलनकारी ने, जिस पोल पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को देश की आज़ादी का जश्न मनाते हुए लहराया जाता है, वहाँ पर जाकर निशान साहिब टांग दिया, एक संगठन का झंडा टांग दिया, फिर पुलिस वाले ने जाकर उसे उतारा है। अब हालांकि वो झंडा वहां से उतार दिया गया है, आंदोलनकारी भी अब धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं। तो किसानों की जो पूरी लड़ाई थी वो एक तरफ लाल किले तक आई और दूसरी तरफ आईटीओ का उत्पात भी आपने देख लिया है। सिंघू बॉर्डर से दरअसल सुबह से ही संकेत मिल गए थे, क्योंकि इधर रिपब्लिक डे परेड राजपथ पर चलने के दौरान ही कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर किसान ट्रैक्टरों में अंदर घुस गए थे, आंदोलन बढ़ता चला गया और वही नज़ारा आपको दिखा जिसकी आशंका बनी हुई थी। उन्होंने तय रूट नहीं माना, किसी की बात नहीं सुनी, वो आईटीओ तक पहुंचे, वहां भी उत्पात किया, ट्रैक्टर नचाया वहां पर सड़क पर, सुरक्षा कर्मियों की, मीडिया कर्मियों की जिंदगी को खतरे में डाला। अभी भी माइक छीना है आज तक का, कैमरामैन को चोटें आई हैं हमारे, और फिर वहां से लाल किले पर पहुंचे और जहां पर देश के तिरंगे की जगह है, क्योंकि तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता, वो सोच, वो ऐतिहासिक बुनियाद जिसका नाम हिंदुस्तान है, इस लाल किले में
दर्ज है अनेकों कहानियां जिन्होंने अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की हंसते हंसते आहुति दी थी इस देश के लिए। और ऐसे दिन पर जब 26 जनवरी को देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहां पर तिरंगे की जगह को हटाना और ऐसी प्राचीर जहां से देश का झंडा रोहण हर साल देश के प्रधानमंत्री चाहे वो जो भी हो करते हैं, उस प्राचीर पर जाकर इस तरह से कब्जा करना और वहां पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा टांगना, अपने आप में अब आंदोलन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता हूं। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में पुलिस लगी हुई है और लाल किले से भी हर जगह से प्रदर्शनकारियों को निकाला जा रहा है। बहुत ज्यादा इसके खून बह रहा है। कई जगहों से लोगों के चोटें आने की भी खबरें हैं जो आप सुन रहे थे। रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद थे अलग अलग जगहों पर, वो जानकारी देते हुए किसी का खून बह रहा था, कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, सबकी तस्वीरें आई हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस वक्त की तस्वीर बताइए और बताइए कि क्या अब परिस्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं? ये कह सकते हैं अंजना कि शायद अब राजधानी को वो सुखद परिस्थिति मिले, क्योंकि जो संख्या बल थी शायद मैसेज जो है वो पहुंचा है किसानों के पास। और इसीलिए यहाँ जो वॉलंटियर खड़े हैं, आपको सबसे पहले बताता हूँ मैं हूँ कहाँ। मैं दरअसल बुराड़ी के पास हूँ, आउटर रिंग रोड पे, यही रास्ता आगे लाल किले को जाता है। लेकिन ये जो आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, ये अब वापसी की ओर जा रहे हैं। ये जहाँ सिंघू से, टीकरी से या जिन इलाकों से निकले थे, ये अब वापस अपने स्टेशन की ओर जा रहे हैं जहाँ से इनका आंदोलन चल रहा था पिछले 55 दिनों से। इसके साथ ही देखिए जो ट्रक्स आ रहे हैं, इन्हें संदेश दिया जा रहा है, जो वॉलेंटियर्स हैं इन्हें कह रहे हैं बोनट से उतरिए और कह रहे हैं कि आगे से यू टर्न आपको लेना है। दरअसल अब ये यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अलग तरीके का है। साथ ही एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जा रहा है ताकि वो आगे निकल पाएँ। और ये कहा जा रहा है कि बुराड़ी के पास आगे जो यू टर्न है, यहाँ से गाड़ी घुमाएं और यहाँ से निकल जाओ। साथ ही एक दूसरा चौराहा दिखाता हूँ, कई सारी गाड़ियाँ हैं जो वहीं से ही यू टर्न लेकर के वापस जा रही हैं। आगे जो है वो हजारों की संख्या में अनगिनत ट्रैक्टर से जो आगे आ रहे हैं, लेकिन जितने यू टर्न हैं वहाँ तक संकेत पहुँच चुका है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो वहीं से अब लौट आए। हमने देखा कि अब लाल किले से चुकी जो किसान है वो हटने लगे हैं, बाकी सबको भी यही संकेत दिया जा रहा है कि वो यहाँ से निकल जाएं। सड़कों पर आप जो देख पा रहे हैं, ये स्थानीय लोग हैं, अपने सड़कों से, घरों से बाहर निकल के आए हैं, यहाँ इनका स्वागत हो रहा है। दिल्ली में भले अलग तस्वीर हमने अंदर भीतर शहर के भीतर देखी हो, यहाँ की तस्वीर थोड़ी सी अलग है। और अब जो कोशिशें हैं वो कोशिशें ये कि माहौल किसानों की तरफ से जो समझौता हुआ था उन समझौतों को तोड़ते हुए किसान यहाँ पर लाल किले पर पहुँच गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि लाल किले पर पुलिस और प्रशासन की भारी तैनाती इस वक्त की गई है, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ उन्होंने अपना झंडा भी फहरा दिया है। आप देखिए कि जो ऊपर का हिस्सा है लाल किले का, उस पूरे इलाके में किसान नज़र आ रहे हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि जो ट्रैक्टर हैं उन ट्रैक्टरों में भी किसान यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं। अलग अलग बॉर्डर से किसान निकले थे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, सभी जगहों पर किसान जो हैं वो निकल करके इस वक्त लाल किले पर पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन यहां पर इनके ऊपर नज़र रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल इस वक्त कर रही है और पूरा नज़र रखा जा रहा है। किसानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनके जो तीनों कृषि कानून हैं उन कृषि कानूनों को लेकर के वो आगे बढ़ें, साथ ही MSP के लिए जो गारंटी कानून है उसको मोदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो सारे इस वक्त हेडकोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ की पूरी स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे। ये ट्रैक्टरों के जरिए किस तरीके से सारे किसान यहाँ जो आगे का हिस्सा है वो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो लोग इन तमाम जगहों पर डटे रहेंगे। सरकार जहाँ अलग अलग जगहों पर
पुलिस की तरफ से रोक लगाई गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लाल किले पर पहुंचना काफी बड़ी बात है क्योंकि 26 जनवरी का दिन है और सुरक्षा के महत्वपूर्ण इंतजाम रहते हैं। ऐसे में यहां पर पहुंच जाना अब पुलिस व्यवस्था की भी चूक दिखाई पड़ रही है। आईटीओ पर भी बहुत सारे किसान पहुंचे हुए हैं और यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से झंडा इस वक्त फहराया गया है और किसान यहाँ भारी संख्या में मौजूद है। वो अभी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को लाल किले से हटाया जाए। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह आज तक। तो ये आप नांगलोई की तस्वीरें देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर टकराव की स्थिति, किस हद तक पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स RAF की टीमें भी बुलाई गई हैं, इतनी अनियंत्रित परिस्थितियां हो गई। हालांकि लाल किले से प्रदर्शनकारी लौट रहे हैं तो वहां पर परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। इस बीच नांगलोई में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसकी ताजा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ जैसे ही हमारे सहयोगी जुड़ते हैं हम आपको वहां की भी तस्वीरें बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों परिस्थितियां अगर इस तरह से हो गई हैं। ये कुल मिलाकर किसान आंदोलन जो होना था तय रूट पर वो पूरी तरह से बेकाबू हो गया। राजधानी के कोने कोने में, नांगलोई से लेकर अलग अलग जगहों पर, आप सोचिए ITO जहां से, जिसको दिल्ली के बीचों बीच कहा जाता है, वहां पर पूरे चौराहे